भाई क्या चिल बंदा है रोहित शर्मा यार, उनके ना स्टम्प माइक की बहुत सारी ऑडियोज लीक हो रही है आजकल, और रोहित शर्मा को देख लगता है ये मेरे में मुझे चाहिए ये, कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा दीन दुनिया से, एकदम एकदम चिल। क्या है इंच ऊपर से हमारा क्राउड हमारे ही प्लेयर्स को तंग कर रहा होता है, वो शुभमन गिल बेचारा बैटिंग करने आता है, पूरा स्टेडियम नारे लगा रहा है हमारी भाभी कैसी हो। मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने गया था, एक मानस लाबुशेन करके प्लेयर है ठीक, उसकी स्पेलिंग बड़ी अजीब सी है, हमारे बंदों से बोला नहीं जाता उसका नाम, वो फील्डिंग करने आया बाउंड्री पे, यहां से दो लोग लाबू लाबू, भाई विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे तो ना विराट कोहली ने एक हवा में शॉट खेल दिया एरियल शॉट ठीक है, मेरे साइड पे जो तो, मेरे साइड पे तो 55 साल के अंकल थे, उस बॉल के साथ वो भी हवा में गए, इतने एनिमेटेड 55 साल के अंकल मैंने लाइफ में नहीं देखे, बॉल हवा में गई है दोनों आराम से विराट। दोस्तों लॉजिक रेट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों जो आज की वीडियो है वो है एक स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो जो कि इंडियन क्रिकेट फैंस और वर्सेस विराट कोहली के उस पर बनाया गया है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है भाई, और इसका जो मैशअप बनाया है मैंने काफ़ी सारी वीडियोज मतलब उसमें ऐड करी है। और भाई वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि नई वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे को आपको गुड न्यूज देनी है। नहीं नहीं बट इस साल मुझे इस एक्चुअली नेक्स्ट मंथ आई विल कंप्लीट 10 इयर्स इन स्टैंड अप कॉमेडी। बढ़िया चल रहा है करियर, फॉरेन इंटरव्यू वगैरह जाने को मिलता है ऐसे, बट ना खुशी सी नहीं हो रही अंदर से, क्योंकि ना ये मेरा पहला ड्रीम नहीं था। एक होता ना बचपन में पहला ड्रीम मेरा था, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था और मैं बहुत अच्छा खेलता था यार, मैं मतलब अकेडमीज वगैरह में खेलने जाता था और बहुत बढ़िया खेलता था। फिर मैं 10th के बोर्ड्स आए, छुड़वा दी मेरे पापा ने, कह रहे पढ़ाई करो क्या फ़ायदा हुआ। चुटकुले सुना रहा हूँ मैं आज, कभी माफ़ नहीं किया मैंने अपने बाप को, क्योंकि जिस साल उन्होंने छुड़वाई ना उसी के 2 साल बाद IPL स्टार्ट हो गया यार। और पता है मैं ऐसे लग गया कि अगर ये मुझे खेलने देते ना, यू नेवर नो, मुंबई इंडियंस। इस साल वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, आप लोगों ने देखा? हाँ देखो, आई नो फाइनल में जो भी हुआ, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट वहां तक हमारी टीम जो खेली वो बहुत ही बिल्कुल हमारी टीम के लिए तालियां होनी चाहिए दोस्तों। मैं ना कुछ मैचेस लाइव देखने गया था और बहुत सालों के बाद मैंने एक स्टेडियम में मैच देखा। हाँ शट अप, क्राउड हर जगह का ऐसे ही होता है। मैं देख लिया, जैसे मैं जब मैच देखने गया तो मैं बहुत खुश हुआ कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं बनाऊं, क्योंकि जब मैं मैच देख रहा था मैं कहा एक तो देखो यार कितनी बड़ी बात होती है, वो 11 लोग सेलेक्ट होते हैं पूरे देश में से ठीक है, उनके ऊपर इतना स्ट्रेस होता है, इतना प्रेशर होता है कि हमें रन बनाने हैं, मैच जीतना है, ये सब। ऊपर से हमारा क्राउड हमारे ही प्लेयर्स को तंग कर रहा होता है, वो शुभमन गिल बेचारा बैटिंग करने आता है, पूरा स्टेडियम नारे लगा रहा है हमारी भाभी कैसी हो। शर्म करो यार, शर्म करो। फिर वो आउट हो जाते 2 ओवर के बाद, फिर कमेंट्स मारते हैं इनका तो फोकस ही नहीं है गेम में, उसका था बैच तुम्हारी वजह से गया है। शुभमन गिल 24 साल का है यार, 24 साल की उम्र में वो इंडिया का ओपनिंग बैट्समैन है, आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात होती है। वो बैटिंग करने आया है, उसके दिमाग में कितनी चीज़ें चल रही होती होंगी यार, कि यार ये आउट स्विंग होगी, नहीं तो इन स्विंग हो सकती है, कवर लूँ क्या करूँ ये सब, और कान में क्या चल रहा है उसके, जैसे चूते हुए जैसे ना, तुम जैसे चूते हुए जैसे हारे हैं और इनको लगता है हम बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं सब करके। अबे अपने प्लेयर को ही परेशान कर रहे हो यार, आप सोचो आपकी वर्क स्पेस में कोई ऐसे बिहेव करे, तुम सुबह उठ के अपने ऑफिस में बैठे हो, लैपटॉप खोल के ईमेल लिख रहे हो, हे होप यू आर डेड बिच रिगार्ड्स एंड फक ऑफ्स, और साइड से दो लोग आके हमारी भाभी कैसी है, HR वाली जैसी है, गुस्से में लैपटॉप उठा के सर पे मार दो उसके।
और आप सोचो हमारा क्राउड हमारे प्लेयर्स को इतना तंग कर रहे हैं, तो फॉरेन प्लेयर्स के साथ तो क्या कर रहे थे, रैगिंग हो रही थी उनकी। मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने गया था, एक मानस लाबुशेन करके प्लेयर है, ठीक, उसकी स्पेलिंग बड़ी अजीब सी है, हमारे बंदों से बोला नहीं जाता उसका नाम। वो फील्डिंग करने आया बाउंड्री पे, यहाँ से दो लोग लबू से मिला दो। लबू शंका। मैं हैरान हूं यार कि कैसे खेल लेते हैं प्लेयर्स इन सब के बीच में भी। और ये सिर्फ क्रिकेट का क्राउड है पता है, जो इतनी बदतमीजी करता है, कुछ भी कमेंट्स मारता है और कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता है। बाकी किसी स्पोर्ट में होता है, अब लॉन टेनिस देखो, उसमें लोग बेसिक चीयर करते हैं ना, रेफरी उसी में डांट देता उनको, वो ऐसे हो जाते, ये नडाल साइलेंस साइलेंस द प्लेयर्स आर रेडी, बंदे की पड़ जाती बेंच, ऐसा क्या बोल दिया मैंने यार, मैं तो नडाल को मोटिवेट ही कर रहा था यार, कम ऑन लेट्स गो, थैंक यू, बाहर निकल बैठ। ये होता है डिसिप्लिन स्पोर्ट में। वो लॉन टेनिस भरे स्टेडियम में इतने साइलेंस में खेल रहे होते हैं यार, वो तो कुछ ज्यादा ही साइलेंस में खेल रहे होते हैं। उसमें जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उनकी सर्विस की आवाज किससे एको हो रही होती है, देखा अपने रैली में, अय्या ओ ओ ए आ। ये वो मेरे पापा कमरा बंद करके मैच देख रहे थे, हमें अंदर से आवाज आ रही, मैं कहा मम्मी क्या कर रहा है आदमी अंदर। फिर ना कोई वो मैच जीत गया तो ये आवाज आई, मैं कहा भागो घर से, मैं पहले दिन से कह रहा हूं ये आदमी ठीक नहीं हमारे लिए है। लॉन टेनिस बहुत सी, उसमें जो प्लेयर्स भी है ना वो भी बहुत रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं, टाइम डिमांड करते हैं। आपको भी उनको सर्विस लेते हुए देखो, वो लगे रहते जब तक उनको वाइप नहीं आती। घंटे चल रहे हैं ये सब, इसमें कभी कभार एक आधा बंदा कमेंट मारता है उस पर भी ऑफेंड, मैं नहीं खेल रहा, इसको हटाओ वहां से, हटाओ इसको। हमारे क्रिकेटर्स कर सकते हैं ऐसे कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करने आए हैं, कह रहे पहले सबको चुप कराओ फिर हम बैटिंग करेंगे, यहां करा लो आप 70,000 लोगों को चुप, शाम तक एक ओवर नहीं डलेगा, मैं लिखवा रहा हूं आपको, पता है 69,990 लोग चुप हो भी जाएंगे, 10 चूतिए होंगे। जब सब चुप हो जाएंगे ना, सारे भाभी कौन बोला किसने बोला यार, मैं तो नहीं बोला यार, चुल बहुत होती है ना हम लोगों के अंदर। और पता है हमारे क्रिकेट क्राउड में बिल्कुल पेशेंस नहीं होता है, जैसे लॉन टेनिस में वो लगे रहते हैं ना, लोग कुछ नहीं बोलते, हमारे प्लेयर्स बेचारे बैटिंग कर रहे होते हैं ना, कई बार वो साइड स्क्रीन के सामने कोई आ जाता है उसमें ना हट जाते हैं, लास्ट मिनट ओह दिखा नहीं हमें, उसी पे लोग ऐसे हो जाते हैं, ओ खेल ओए, बड़ी बॉल नहीं दिख रही, बैंचों में यहाँ से दिख रही है, पांच बॉलों से वेल लेफ्ट कर रहा है ये बे। और क्रिकेट का एक अकेला क्राउड है, एक होते देखो बाकी क्राउड्स भी तंग करते हैं स्पोर्ट्स में लोगों को ना, कि वो कॉमेंट्स मारेंगे, स्लेजिंग करेंगे, हमारा क्राउड इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को चलते मैच में एडवाइस दे रहा होता है, 55 साल के अंकल। मैं मैच देख रहा था, मोहम्मद शमी फील्डिंग करने आया, शमी बेटे, शमी ऊपर डाल ऊपर, बैट के पास सीम से घुमा के ऐसे, कम ऑन कम ऑन बॉय शमी, जड्डू तुम्हारी बुआ का बेटा जो तुम इतने फ्रैंक हो रहे हो वहां पे, सर रविंदर जडेजा नाम है उनका, रिस्पेक्ट से बात करो भाई। विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे तो ना, विराट कोहली ने एक हवा में शॉट खेल दिया, एरियल शॉट, ठीक है, मेरे साइड पे जो तो 55 साल के अंकल थे, उस बॉल के साथ वो भी हवा में गए, इतने एनिमेटेड 55 साल के अंकल मैंने लाइफ में नहीं देखे।
बॉल हवा में गई है दोनों, आराम से विराट अभी ग्राउंडेड खेलना है दो ओवर यार, इसके ऑस्टम की दिक्कत को कोई पता मैं कहीं आउट हो गए तो मर जाएंगे हार्ट अटैक से भी। विराट कोहली के ऊपर कितना प्रेशर है, रन भी बनाए जान भी बचाए। तभी विराट कोहली की जो वो अग्रेशन है एक सेलिब्रेशन में बिल्कुल जस्टिफाइड है। लोग बोलते हैं कि इतना क्यों अग्रेसिव हो रहा है, अरे आप सोच भी नहीं सकते यार उस इंसान के दिमाग पे कितना मेंटल प्रेशर होता होगा यार। आई तो लव विराट कोहली, मतलब हाँ वेस्ट दिल्ली से दो ही लोगों ने तरक्की करी है, विराट कोहली और मैंने। अरे नहीं नहीं, नहीं। उन्होंने बहुत ज्यादा करी है। बट जब वो सेलिब्रेट कर रहे थे ना फील्ड पे, उनको देख के कुछ मजा सा आ जाता है, एक इनर जॉय है उस इंसान में यार, वो अपने में लग रहते हैं। ये सब चल रहा था कि बार सामने वाली टीम बोल देती है इतने तो इम्पोर्टेंट विकेट नहीं गिरी थी, ये इमरान ताहिर आउट हुआ था यार, ये विराट भाई को, विराट भाई आप ही रख लो हमें चाहिए नहीं है। कुछ तो एक इन्फेक्शियस एनर्जी है विराट कोहली, मतलब टीवी पे मैं मैच देख रहा होता ना विराट कोहली जब स्क्रीन पे आता ना, मेरे मन करता है कि इसको पढ़ के दो घुसंड मार दो इधर, सॉरी मम्मी। बट मेरा फेवरेट मोमेंट होता है किसी भी इंडिया के मैच में ना, कई बार आप देखना बॉल डाली बुमराह ने, कैच पकड़ी केएल राहुल ने, पूरी टीम एक सर्कल में सेलिब्रेट कर रही है, विराट कोहली अलग से निकल के दूसरे टीम की ड्रेसिंग रूम की तरफ, तुम्हारी पार्टी वहां प्लेयर्स बैठे भी नहीं होते हैं, दूसरे टीम के फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह बैठे होते लैपटॉप खोल के, वो ऐसे हो जाते हैं वो हमारी माँ बहन क्यों कर रहे हैं, हम तो बर्फ का सेक करते हैं, ये सोफा वहाँ इसी लगाते हैं सबके, प्लेयर्स अंदर नंगे नहा रहे हैं, बुलाओ ने बाहर, वो लबू मारा विराट भैया बुला रहे हैं। देखो स्पोर्ट्स में ना, खासकर आउटडोर स्पोर्ट्स में, इन द हीट ऑफ द मोमेंट प्लेयर्स के बीच में बहुत अनबन हो जाती है और ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, बट प्लेयर्स मूव ऑन फ्रॉम दैट, वो लड़ाई हुई गली गलोच हुई वो बढ़ जाते हैं आगे, कैमरे वाले नहीं पीछे बढ़ जाते हैं प्लेयर्स के यार, बार बार दिखाते रहेंगे सेम चीज़। आजकल रोहित शर्मा के पीछे पड़े हुए हैं बहुत, भाई क्या चिल बंदा है रोहित शर्मा यार, उनके ना स्टम्प माइक की बहुत सारी ऑडियोज लीक हो रही हैं आजकल, और रोहित शर्मा को देख लगता है ये मेरे में मुझे चाहिए ये, कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा दीन दुनिया से, एकदम एकदम चिल, क्या इंच क्या तुम गार्डन में घूम रहे इंच है पूछी भाई इंच बकचोदी बेंच फुल ऑन चिल बार बार दिखाया जा रहा है रोहित शर्मा को यार, तो ना हिंदी कमेंटेटर्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है क्योंकि उनको तो समझ भी आ रहा है, तो वो ऐसा हो जाते हैं कि नाराज है रोहित काफी नाराज, पुजारा से बेहद निराश रोहित 194 पे दो। पर ना इंडिया के मैचेस देखने का मजा तब आता है मुझे जब ना इंडिया अब्रॉड जाता है खेलने, जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड या कहीं भी, वहां क्या होता है ना जो टीवी टेलीकास्टर्स होते हैं जिनका काम ये मैच ब्रॉडकास्ट करना होता है, ये उसी देश के लोग होते हैं, उनको हमारी गालियां नहीं समझ आती, वो गोरे लोग होते हैं उनकी क्या होती है, दो तीन फक यू मदर फकर ये कोई गालियां है, हमारी देखिए आप एक बहन की वैरायटी है, एक माँ की वैरायटी है, बॉडी ऑर्गन्स जानवर, जानवर के बॉडी ऑर्गन्स, जानवर की बहन की माँ के बॉडी ऑर्गन, हमारा बहुत इलैबोरेट सिलेबस है यार गालियों में,
और हम गाली होते हैं ना गोरों को बड़े सुंदर लगते हैं कि वाह व्हाट एन एक्सप्रेसिव शॉट शो विराट वंस मोर. अब सेम चीज हम स्लो मोशन में देख रहे हैं वहां पे. हो ये वाली चीज़ ना बड़ी स्क्रीन पर दिखा रहे होते हैं चलते मैच में. बार बार विराट कोहली भी होता है क्या कर रहे हो यार. मैं निकल गया एक बार मुंह से पीछे पड़ गए यार ये तो यार. हमारे घर वाले भी मैच देखते हैं भाई. मतलब पक्का लगता है इन सबकी मम्मी ना शाम को फ़ोन करती होगी. हाँ बेटे अच्छा खेले. बोल क्या रहे थे. हमने देखा 3 बार देखा. हमें पता है तुम लोग बेन स्टोक्स नहीं बोलते हो. मोमेंट्स ऐसे मतलब आई डोंट नो वेयर मे बी यूट्यूब के कंपाइलेशन में या फिर ऐसी कोई जगह पे देखा हुआ है मैंने कि देर आर पीपल रनिंग ऑन द ग्राउंड इधर टू मीट दैट पर्सन प्लेयर उनका फेवरेट हो जो भी है या फिर देर इज रनिंग. देर आर टाइम्स बच्चे चले जाते हैं. देर आर टाइम्स कुत्ते चले जाते हैं. उनको हाँ तुम ज्यादा नहीं रोक सकते. रुकना तो पड़ेगा ऑब्वियसली. बट My God, I have never seen Akash curse so much in a video. I mean, I get it, what he was trying to say and because, of course, oh, whatever, I get it, but for our video, I'll have to take a few steps. Kheer kar diya, bhai ne, yaar, pehle Kapil Sharma wali video dekhi. Aap hi upar se ye bhai ki dekh liya, ek na sar dard na, bahut ho raha hai. Phat raha hai iski. सर वाकई यार बिल्कुल यार एक जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है ना फैंस को क्रिकेटर्स को हर एक यार बंदा ऐसे कुछ नहीं कर सकता. जैसे उन्होंने एक बताया कि फैंस का जो एक क्रेज होता है. अब जैसे उन्होंने बाबा जी का बताया कि अब 50-55 साल उनकी एज है. अब 6 ऊपर जा रहा लेकिन वो भी साथ साथ ऊपर ऐसे ऐसे जा रहे हैं ऐसे ऐसे के भाई जब माहौल बना होता ना उस वक्त इंप्रेशन इस तरह वो नीचे लगा. हाँ जैसे मम्मी शामी को बोल रहे वो लेग से लगा इधर से डाल इधर से सही बोला वो लब्बू का. तो देख लिया भाई वीडियो. आज की ये वीडियो थी और आई होप तो आपको बड़ा मजा आया होगा ये वीडियो देख के. और भाई हमारे इंडियन फैंस हैं भी ऐसे क्राउड में भाई ऐसी ऐसी चीजें होती हैं. तो भाई ने भाई टॉपिक बड़ा अच्छा चूज किया था और डिलीवर भी बड़े तरीके से किया उसे. हर कोई नहीं कर सकता ऐसा. स्टैंड अप कॉमेडी करना आसान काम नहीं है पर जो भी है भाई मज़ा आया बहुत. और एक्चुअल में ऐसा होता है ये नहीं है कि नहीं होता. तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना भाई और साथ में वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर ज़रूर करना. और साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद.